बुर्का पहनकर फर्जी वोटिंग और फिर आरोपियों को थाने से छुड़ाने के मामले में पुलिस ने दो आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने इस मामले में 24 लोगों को नामजद आरोपी बनाया है। पुलिस ने छापेमारी कर दो आरोपी को धर दबोचा। वहीं 20 मई को बुर्का पहनकर फर्जी वोटिंग के इस मामले में ये बड़ी कार्रवाई पुलिस के हत्थे। तीन महिलाएं इस दौरान चढ़ी थी जो बुर्का पहनकर फर्जी वोटिंग करने के लिए पहुंची थी। इनके साथ एक युवक सनाउल्लाह भी बुर्का पहनकर वोटिंग कर रहा था। सभी आरोपियों को थाने से उपद्रवी जो है वो छुड़ा कर ले जाते हैं, जिसके बाद पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज की थी। पुलिस ने 24 नामजद और 130 अज्ञात के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी। तो दरभंगा में बुर्का पहनकर फर्जी वोटिंग और गिरफ्तारी के मामले में सियासत इस वक्त तेज हो गई है। आरजेडी ने प्रशासन पर आम लोगों को परेशान करने का आरोप लगाया है, तो वहीं बीजेपी का यह कहना है कि आरजेडी अराजकता फैलाना चाहती है। दरभंगा जाल का ये उदाहरण जो है वो सबके सामने है। देखिए, जो दरभंगा के जिले में जाले में मधुबनी लोकसभा क्षेत्र में आता है, उसमें फर्जी मतदाता के नाम पर जिस तरह से पुलिस प्रशासन वहाँ आम मतदाता को परेशान कर रही है, टॉर्चर कर रही है, ये दिख रहा है। इस तरह से जांच होनी चाहिए, दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए। वो चुनाव जीत पाने में असमर्थ है तो वो अपना उन्माद जो कि एक सामाजिक तनाव पैदा कर रहा है और इस राज्य का जो शांति है उसको बिगाड़ने में ये आरजेडी के गुंडे लगे हुए हैं, जिसका उदाहरण जाले है। अब बताइए, अब तो ये सामाजिक टकराव के साथ में प्रशासनिक हस्तक्षेप करके प्रशासन से भी टकरा रहे हैं, यही इनका जंगल राज है। तो लोकसभा चुनाव